अमेरिका के साथ क्या संधि हुई उसकी तो लोगों को जेरोक्स कॉपी बांटती फिरती है। अमेरिका के साथ रिश्ता नाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसी को लेकर के नाचने वालों को मैं कहना चाहता हूं, आपका रिश्ता अमेरिका के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अमेरिका तय करता है, लेकिन 100 करोड़ का हिंदुस्तान, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बताओ ये नेपाल के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आपके कालखंड में एकमात्र दुनिया का हिंदू राष्ट्र नेपाल खत्म हो चुका, माओवादियों के हाथ चला गया और आपकी सरकार 100 करोड़ देशवासियों की सरकार नेपाल की राजनीति में कोई कूटनीतिक दर्शन नहीं करा पाई, ये है आपकी विदेश नीति। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान के हालात देखिए, पाकिस्तान में तालिबान डंके की चोट पर कह रहा है कराची पर हमारा कब्जा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर तालिबान ये कहे कि कराची पर उसका कब्जा है, मुंबई और कराची के बीच फासला क्या है प्रधानमंत्री, जरा हिसाब किताब कर लीजिए। अगर तालिबान कराची तक पहुंच जाए, तालिबान पूरे पाकिस्तान में फैलना शुरू कर दे, हिंदुस्तान का भाग्य क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री आपने सोचा है? मैं जनता जनार्दन को पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली में ऐसी ढीली ढाली सरकार रह गई, वोट बैंक की भूखी सरकार रह गई, तो ये पाकिस्तान का तूफान हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ेगा भाइयों बहनों, इसलिए आपके भाग्य को बदलना है तो दिल्ली की सरकार बदलनी पड़ेगी। जब तक दिल्ली की सल्तनत नहीं बदलोगे आपका भाग्य भी नहीं बदलने वाला। क्या आपको वो दृश्य फिर से देख रहे हैं जो मुंबई की धरती पर पाकिस्तान ने आकर के किए? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में तालिबान आकर के आपको गोलियों से भून दे? क्या हो रहा है? दिल्ली की सल्तनत जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। मित्रों, मुंबई पर पाकिस्तान ने हमला बोल दिया, आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला कर दिया और चल क्या रहा है? क्या कभी आपने सुना है मित्रों कोई गुनहगार आपको 30 सवाल भेजे और आपको जवाब देना पड़े? कल्पना की आपने? ये कैसी सरकार है दिल्ली की? मेरे नौजवान सोचो, ये दिल्ली की सरकार 100 करोड़ देशवासियों की सरकार और पाकिस्तान जवाब मांग रहा है, 30 सवाल भेज रहा है और हिंदुस्तान के एक मंत्री दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ने जवाब तैयार कर दिए, हमने जवाब फॉरेन मिनिस्ट्री को दे दिए, फॉरेन मिनिस्टर कह रही है हम प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री फॉरेन मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री मिलकर के पाकिस्तान के चरणों में जाकर के दे देंगे। लो साहब, आपने जो हमारा जवाब मांगा था यह आपके 30 सालों का जवाब। अरे डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्रों, डूब मरो, मेरे देश की इज्जत को मत बेचो। पाकिस्तान हमारा जवाब मांगे? मित्रों, मैं कल्पना नहीं कर सकता। और ये दिल्ली की सल्तनत कैसी है? पाकिस्तान ने मुंबई पर हमला बोल दिया, निर्दोष लोगों को भून दिया जा रहा था, तब दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? टीवी के क्लिपिंग इकट्ठे कर रही थी कि कहां गोलियां चल रही हैं, कैसे गोलियां चल रही हैं, आतंकवादी कहां जा रहे हैं, खिड़की में दिख रहे हैं कि नहीं, ये टीवी क्लिपिंग इकट्ठे करते थे, अखबार की कतरने इकट्ठी करते थे और उनके लोग कुछ लोगों को पूछ करके जो अंदर से बच करके बाहर आए थे उनके बयान लिख रहे थे और ये सब इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा बक्सा भरा। ये देखिए हमारी दिल्ली की सरकार, 100 करोड़ के सार्वभौम देश की दिल्ली की सरकार, उसका पराक्रम देखिए मित्रों। माथा शर्म से झुक जाए, ऐसा काम किया इन लोगों ने। उन्होंने क्या किया? ये जानकारियों को इकट्ठे करके एक बक्सा तैयार किया और जानकारियों का बक्सा लेकर के देश के मंत्री महोदय अमेरिका गए। ये अमेरिका में जाकर रो रहे हैं, अमेरिका में क्या मित्रों?
ये देश का अपमान नहीं है, देश की सेना का अपमान नहीं है, देश के वीर व्रत का अपमान नहीं है। रो रहे हो जा करके, हमको मार के चला गया, हमको मार के भाग गया। मित्र, जब तक आतंकवाद को उसकी भाषा में जवाब नहीं दोगे, आतंकवाद जाने वाला नहीं है। और पाकिस्तान को भी उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा मित्रों, विकास भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। विकास और सुरक्षा के बिना देश के नौजवानों का भाग्य नहीं बदलने वाला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप पुणे में रहते हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सुख है, वैभव है, संपत्ति है, दौलत है, सुख ही सुख है, आपके परिवार में दुख का नामो निशान नहीं है, नौजवान बेटा है, भरपूर कमाता है, सुख चैन की जिंदगी जी रहे हो, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन आपका नौजवान बेटा सुबह घर से निकल करके जाए ऑफिस, अपने कारखाने जाए, नौकरी जाए, और रात को उसका डेड बॉडी घर लौट आए, तो रुपये किस काम आएंगे, वो दौलत किस काम आएगी मेरे भाइयों, वो घर गाड़ी बंगला किस काम आएगा। आपको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा। इस देश के 100 लोगों को आप कहीं जाकर के पूछिए, उनको पूछिए, ये दिल्ली की सरकार आपको सुरक्षा दे सकती है? ये महाराष्ट्र की सरकार आपको सुरक्षा दे सकती है? 100 के 100 लोग जवाब देंगे, नहीं भाई, वो कुछ नहीं दे सकते, वो सलाह दे सकते हैं। भाइयों बहनों, देश के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ चल रहा है, नक्सलवाद, इस देश के 40% जिले ऐसे हैं, चौंक जाओगे मेरे नौजवान मित्रों, हिंदुस्तान के 40% जिले ऐसे हैं जिस पर नक्सलवाद ने अपना डेरा तंबू डाला है, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद का राज चलता है, हिंदुस्तान की किसी सरकार वहां कदम नहीं रख सकती है। आपके महाराष्ट्र में क्या हुआ? अभी पुलिस के जवानों को भून दिया गया था। जिस दिन मैं पिछली बार पुणे में आया था, उसी दिन मुझे खबर मिली थी, यहां पर पुलिस के नौजवानों को भून दिया, गढ़चिरौली में मारा था। मित्रों, किसी ने सोचा है? पशुपति से लेकर के तिरुपति तक पूरा रेड कॉरिडोर बन गया है। ये माओवाद, ये नक्सलवाद, नौजवानों के हाथ में शस्त्र दिए जा रहे हैं, निर्दोषों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, और ये सिक्योरिटी बल का क्या गुनाह है मित्रों? सेना के जवानों का क्या गुनाह है? मेरे पुलिस भाइयों के परिवारजनों का क्या गुनाह है? ये पुलिस के जवान नौकरी कर रहे हैं, सुरक्षा का काम कर रहे हैं, और ये नक्सलवादी, उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन बसों को उड़ा देते हैं। पुलिस वाला तो मरने के लिए तैयार है, उसके उन भोले भाले बच्चों का क्या गुनाह है जो बस में स्कूल जा रहा है, उस बस को बम से उड़ा दिया जाए। और दिल्ली की सरकार, देश ने गृहमंत्री देखे मित्रों, एक सरदार पटेल हुआ करते थे मित्रों, पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया था, और एक शिवराज पाटिल को बिठा दिया था। क्या पाया मित्रों, क्या पाया शिवराज पाटिल देश के गृहमंत्री से, क्या दिया उन्होंने? जब दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, शिवराज पाटिल क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? दिल्ली में खून की नदियां बह रही थी, शिवराज पाटिल क्या कर रहे थे? फैशन परेड, फैशन परेड। और मित्र, एक घंटे में 3 बार कपड़े बदले
और कपड़े बदल करके टीवी के सामने आते थे और टीवी वाले पूछते थे उनको कि ये बम धमाका हुआ आपको क्या कहना है, तो जवाब देते, हर बार जवाब देते थे परिस्थिति बड़ी गंभीर है, हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, मतलब अगले धमाके की प्रतीक्षा कर रहे हैं।